एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसके बाद पार्ट टू एंड पार्ट थ्री भी आने वाला है मिंत्रा होल का, तो स्टे ट्यून फॉर दैट टू। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। नाउ विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट कुर्ती इज़ फ्रॉम लिबास। ये स्मॉल साइज़ में मैंने ली है। इसका फिट स्ट्रेट है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसके ऊपर, वर्क हो रखा है थ्रेड का वाइट कलर में, बीच बीच में फॉयल मिरर लगे हुए हैं, और इसके जो बटन्स की डिटेलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस पर 3/4 स्लीव्स हैं जिसपे बॉर्डर लगा हुआ है, और ओवरऑल इसका जो मटेरियल है वो समर अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। ये खादी कॉटन का बना हुआ है। नाउ द सेकेंड कुर्ता इज़ फ्रॉम बीबा ब्रांड, एंड ये भी स्ट्रेट फिट कुर्ता है, टील कलर में है। इसका वी नेक लाइन है जिसपे शाइनी धागे से नेक पे वर्क हो रखा है। इसकी स्लीव्स हैं वो 3/4 हैं, एंड आगे से बेल शेप्ड हैं, बीच में कट है इसमें, एंड पाइपिंग हो रखी है। सेम पाइपिंग इसकी साइड लाइंस पे हो रखी है, जो साइड स्लिट्स हैं। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और मेरा साइज़ है 34। नाउ द थर्ड कुर्ता, दिस इज़ फ्रॉम ऑनिक ब्रांड। ये मिंत्रा का ही एक ब्रांड है, और ये जो कुर्ता है ये मेरा फेवरेट है इस पूरे हॉल में। और इस पर मेरी बहुत लंबे टाइम से नज़र थी, बट ये काफ़ी कॉस्टली था। MRP इसका 1699 है। सो आई वॉज़ वेटिंग कि कोई सेल आए और फिर मैं इसे परचेज़ करूँ, तो येस, इस सेल में मैंने उसे परचेज़ कर लिया। और इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि साइड स्लिट्स पे पॉम्पम की डिटेलिंग है, जो इसके लुक को बहुत ही मॉडर्न बना रही है। जीन्स के साथ अगर आप इसे स्टाइल करेंगे, इवन ट्राउजर्स एंड पलाजोज के साथ, तो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। इसका कॉटन जो मटेरियल है वो सुपर सॉफ्ट है, एंड वी नेकलाइन एंड 3/4 स्लीव्स भी बहुत स्मार्ट लग रही हैं। नाउ फोर्थ कुर्ता, दिस इज़ फ्रॉम सांगरिया ब्रांड। और सांगरिया ब्रांड के कुर्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनका कॉटन मटेरियल बहुत अच्छा होता है, उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। एंड इसका जो नेकलाइन है वो कॉलर वाला, और उस पर बटन की डिटेलिंग है, ये इसको बहुत स्मार्ट लुक दे रही है। जो कलर है वो है रेड मैरून, इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है ऑल ओवर, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। इसके साइड में एक पॉकेट भी है, जो कि सभी सांगरिया ब्रांड की कुर्तीज़ में होती है। एंड यस, दिस इज़ द फोर्थ कुर्ती। सो नाउ द लास्ट कुर्ती इन दिस हॉल इज़ ऑल्सो फ्रॉम सांगरिया, एंड ये मैंने प्लेन सॉलिड कुर्ती ली है ऑरेंज कलर में। स्ट्रेट फिट है, बहुत ही अच्छा फिट है इसका, कॉटन भी बहुत ही सॉफ्ट है, ट्रांजी नहीं है, आपको इसके नीचे स्लिप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की जो कुर्तीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होती हैं, तो प्लेन कुर्तीज़ आपके वार्डरोब में होनी चाहिए इन फ्यू कलर्स, जो भी कलर आपको पसंद है। इन पर सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। एंड ये जो साइज़ है इसमें मैंने स्मॉल लिया है। इसमें भी आगे पॉकेट है जिसके ऊपर थोड़ा सा थ्रेड वर्क हो रखा है, जो इसके अंदर एक यू नो डिफरेंट सा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करती है। बहुत ही स्मार्ट लगी मुझे ये, और ये सुपर अफोर्डेबल कुर्ती है, इस हॉल में सबसे सस्ती, मे बी अराउंड बिलो 300 है ये।
अब इन कुर्तीज़ को पेयर करने के लिए मैंने कुछ ट्राउज़र्स भी ख़रीदे हैं, तो मोस्टली ऑफ वाइट एंड वाइट ऐसा कलर है जो सभी कुर्तीज़ के साथ चल जाता है। तो मैंने दो ट्राउज़र ख़रीदे हैं, फर्स्ट वन इज़ एन बेज कलर, ये सिल्क में है, ट्रांजी है एंड बट लॉन्ग कुर्ती के साथ चल जाएगा एंड इसमें आगे पीछे इलास्टिक है एंड एंकल लेंथ है। तो अनदर वन वाइट इज़ ऑल्सो बिल्कुल सेम और अच्छा मटेरियल है, बट ये ट्रांजी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ डालना है तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, बट लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ इट विल वर्क। तो दीज आर द टू बॉटम्स विच आई परचेज्ड। और एक और मैंने ट्यूलिप पैंट परचेज़ की है, उसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में स्टाइल भी कर चुकी हूँ। तो यस, ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड आप इसे घर पे भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगी। एंड इसका जो मटेरियल है दैट इज़ क्रेप, तो फ्लोई है पूरा और बहुत अच्छा लुक देते हैं ट्यूलिप पैंट को। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा। इसमें कुछ भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।